हाय फैमिली, आप सभी का स्वागत है अनीता जैन रेसिपी में। तो आज हम बनाएंगे सूजी के हांडवा, तो चलिए शुरू करते हैं। हांडवा बनाने के लिए सबसे पहले हमें बैटर तैयार करना होगा, तो इसके लिए मैंने लिए 1 कप सूजी। आप कोई भी कटोरी सेट कर ले, तो इसे हम बाउल में डाल देंगे। 1/2 कप मैंने लिया दही, और अब इसमें साथ में नमक डाल देंगे, तो 1/2 चम्मच नमक के डाल देंगे और मिक्स कर लेंगे। और इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हम इसका बैटर तैयार करेंगे। थोड़ा सा पानी और डालेंगे क्योंकि सूजी पानी पीता है, तो इसलिए हम पहले ही पानी डाल देते हैं, फिर भी कम लगेगा तो हम बाद में और डाल देंगे। तो इस तरह से अभी बैटर को रखना है, तो मैं इसे कम से कम 1/2 घंटा रेस्ट करने के लिए रख दूंगी। जब तक ये रेस्ट कर रहा है तब तक हम बेजीज की तैयारी कर लेते हैं। तो मैंने बेजीज ये ली है, आप बेजीज इसमें कुछ भी डाल सकते हो। आपको अगर बच्चों को बेजीज खिलानी है तो आप इसमें कोई भी, जो बच्चे बेजीज नहीं खाते वो इसमें ऐड कर दें, पता भी नहीं चलेगा। तो मैंने लिए 1 गाजर, 1 आलू, 1 प्याज, 1 टमाटर, मटर और 1 हरी मिर्ची। आप इसमें लौकी भी ले सकते हो, जो भी पसंद हो वो आप इसमें ले सकते हो। नहीं पसंद हो तो आप टमाटर प्याज इससे भी बना सकते हो। तो मैं सभी चीज इन्हें बारीक करूंगी, बच्चे ऊपर में डाल देंगे तो सारी बेजीज हमारी बारीक हो जाएगी। ये हमने बेजीज को बिल्कुल बारीक कर ली है। 1/2 घंटा हो गया, सूजी हमारी फूल के रेडी हो गई है। अब इसमें पहले हम बेजीज डालेंगे क्योंकि बेजीज में भी पानी रहता है। अब इसमें हम डालेंगे मसाले, तो 1/2 चम्मच लाल मिर्ची, 1/4 चम्मच जीरा डाल देंगे। अगर आप जीरा मिर्ची जो भी पसंद करते हो तो आप इसमें डालिए, नहीं करते हो, नहीं पसंद है तो आप स्किप भी कर सकते हो। 1/4 चम्मच मैं सौंफ डालूंगी। नमक हमने पहले डाल ही दिया था। कलर के लिए मैं पिंच हल्दी डालूंगी और हरा धनिया डाल देंगे इसमें और मिक्स कर लेंगे। सभी चीज अच्छे से मिक्स कर लिए। अब मुझे गाढ़ा दिख रहा, तो अब मैं इसमें डालूंगी पानी। तो पानी डालने से पहले मैं इसमें इनो डाल रही हूँ, तो मैंने 1 पाउच पूरा इनो का लिया है। आप अगर इनो नहीं डालना चाहते हो तो आप इसमें बेकिंग सोडा भी डाल सकते हो। और अब इसमें हम पानी डाल देंगे और मिक्स कर लेंगे। हमें बैटर को इस तरह से रखना है। देखिए, अब मैं इसमें डालूंगी तेल, तो मैं 1 चम्मच तेल डालूंगी। तेल की क्वांटिटी आप 2 चम्मच भी कर सकते हो और 1 चम्मच भी कर सकते हो। तेल को गर्म होने देंगे। मैं हांडवा को कढ़ाई में बना रही हूँ, बाकी आप इसे फ्राई पैन में भी बना सकते हो। अब मैं इसमें डालूंगी राई, 1/4 चम्मच हम इसमें राई डाल देंगे और 1/4 चम्मच तिल डाल देंगे और थोड़े से डालेंगे हम इसमें करी पत्ता। गैस चेक कर देंगे और थोड़ी सी डालेंगे हम इसमें नींबू। और इसे एक बार मिक्स कर लेंगे। अब इसमें डालेंगे हम बैटर, तो 2 चम्मच करीबन मैं इसमें बैटर डालूंगी। जितना मोटा बनाना चाहते हो उतना आप इससे बैटर को डाल दें और फैला देंगे और गैस धीमी रखेंगे और इसे हम ढक देंगे। जब ये ऊपर से सूख जाएगा तब इसे हम पलटेंगे। अब हम चेक कर लेते हैं, अब इसे हम पलटेंगे। ये हमने स्टील की कढ़ाई में बनाया है इसलिए थोड़ा सा इस तरह से लग रहा है। अगर हम नॉन स्टिक पैन में बनाते हैं तो उसमें इस तरह से नहीं लगता है। तो ये चॉइस अपनी रहती है कि आप नॉन स्टिक में बनाओगे या स्टील की में या लोहे की कढ़ाई में। इसे हम ढक देंगे, नीचे से भी सिकने देंगे। तो अब हम चेक कर लेते हैं। देखिए, इस तरह से इसे हमें सेकना है। अब इसे हम निकाल लेंगे। इसी तरह हम सभी बना के रेडी कर लेंगे। तो ये हमारे सूजी के हांडवे बन के रेडी हो गए हैं। अब आप इसे केचप, नारियल की चटनी, जिससे भी आपको पसंद हो आप उससे खाइए। और आपके पास अगर नारियल की चटनी अवेलेबल नहीं हो तो केचप तो हमेशा ही घर में रहता है, तो आप उससे जरूर इसे बना के ट्राई करें और जरूर इस तरह से खाएं।
मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।